ऐसा लग रहा है कि कटिया मारते मारते से करंट लग गया हो और नीचे गिर के मर गया हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास वालों से पूछताछ कर लो और फैमिली को घर भिजवाओ। जी मैडम। मैडम, हमने आसपास के सभी दुकान वालों और घर वालों से पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई भी सामने नहीं आया जिसने कलवा को कटिया मारने का काम दिया हो या कटिया मारते हुए देखा हो। मतलब ये सारा कांड जो है वो रात के अंधेरे में हुआ है। हो सकता है मैडम। और मैडम, मैंने कलवा के दोनों लड़कों से ही पूछताछ की। साहब, ये सीढ़ी तो भैया जी की दुकान की ही है, लेकिन कल हम उनके साथ ना थे। हमें पता नहीं साहब कि कलवा भैया को कटिया मारने के लिए किसने कहा था। उन्हें कुछ नहीं पता, या फिर छुट्टन ने उन्हें कुछ बताने से मना किया है, या फिर छुट्टन खुद बगल में छुरी दबाए घूम रहा है। बहुरिया, बोले नहीं तो मन का बोझ तुझे पगली बना देगा। इस पगली के आंसू तो अपनी बेटी के मातम में ही सूख गए, अब रोएगी तो पगली मगरमच्छ कहलाएगी। अभागी विधवा, अभागी मां। कलवा को आखिरी बार कब देखा था आपने? मैडम, कल हम नाइट ड्यूटी पर थे, शाम करीब 4 बजे निकले, तब कलवा घर पर ही था, वापस आए तो वो नहीं था। किसने देखा था आखिरी बार कलवा को? आपने देखा था? आप कुछ बताएंगे कलवा के बारे में? ओ सिंदूर हमरे नाम का, ये ले, पुत्र गया। हमरा तो सब कुछ पूछ चुका, लेकिन जिसका तुम पोत ना पाए उसके वजह से हम, हमरी बच्ची, तुम्हारा बाप भाई सबका दुश्मन बन गए तुम। कभी सोचा है अपनी जिंदगी के एक दुख में अपनी पूरी परिवार वालों की खुशियां दांव पर लगा दी तुमने? जो दांव पर लगा होता है ना, तो कभी किसी को दांव पर नहीं लगाता है, सिर्फ घुटता है। हमरी तरह हम सुधा से सच्चा प्यार किए थे, लेकिन तू का समझेगी इस कलुआ के दिल का दर्द। कहाँ गया था वो? कटिया मारने गया होगा। किसका कटिया मारने गया था? कुछ बोला तुमको? तुमको कुछ पता है कहाँ गया था? मैडम, जिस खंभे के पास से भैया की लाश मिली, उस खंभे से पहले हम विक्रम की फैक्ट्री में कटिया मारते थे। उसका फैक्ट्री वो खंभे की बगल वाली गली में ही है। विक्रम से दोस्ती कर लिया क्या? ना मैडम, अरे हम विक्रम से दोस्ती क्यों करेंगे? वो तो कलवा भैया को मिला था और उनको सॉरी भी बोला था। सॉरी? हाँ सॉरी बोला था, लेकिन कटिया मारने को नहीं बोला। तू हमें जहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है ना, वहाँ होकर आए हैं। हम कटिया नहीं मारते साहब, और मारते तो हमारा काम उस कलुआ से करवाते क्या? अरे जब उसकी बेटी मरी तो हमारा नाम आया, फिर भी हमने उससे आगे बढ़ के बात की, लेकिन उसकी अकड़ गई नहीं साहब, कैसे काम देते हो? झूठ तो नहीं बोल रहा ना तू? धंधे की कसम साहब, सच बोल। लक्ष्मण, विक्रम को बुला ला, ये दोनों भाई उसका कटिया मारे वो झूठ बोल रहे हैं। बुला। मैडम, हम मुसराज भैया के साथ में नहीं थे। अरे हम तो बस एक अंदाजा लगाए। अंदाजा लगाया? या हमको ये इशारा दे रहा था कि तूने नहीं, विक्रम ने उसका खून किया? जेका कह रही है मैडम, अरे हम अपने भैया को कैसे मार सकते हैं? क्यों नहीं मारेगा? नफरत करता था तू उससे, तेरी बीवी को परेशान करता था वो। मैडम आप बेकार में इन पे शक कर रहे हैं, ये तो कलिया थे भी नहीं। हाँ मैडम, अरे हम तो कल शहर में काम ढूंढने गए थे और शाम को सीधा हमारे मायके आए थे हमें लेने, हम भी दोपहर से अपने मायके में ही थे। हाँ मैडम, हम दोनों आज तड़के ही घर लौटे हैं। मैडम, हमने कलवा के घर वालों के बारे में पूछताछ की। कलवा का बाप नाइट ड्यूटी पे था 4 से 12 की टाइमिंग में। सुधा दोपहर से अपने पिता के घर पर थी, शाम को छुट्टन भी वहां पर पहुंच गया था, और सुधा के पिता ने बताया कि वो अगले दिन सुबह 5 बजे वहां से निकले हैं। इतनी सुबह क्यों निकले? कहीं ऐसा तो नहीं सुधा और छुट्टन को बचाने के लिए कोई साजिश हो?
पिछले कुछ दिनों में कलवा और छुट्टन के बीच झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? कलवा का तो रोजाना ही किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है। कलवा की मार पिटाई का सबसे ज्यादा शिकार उसकी बीवी कविता होती थी साहब। बेचारी कविता, कलवा को तो उसका एहसान मानना चाहिए कि उसने लंगड़ा होने के बावजूद भी उसके साथ ब्याही। कलवा बहुत ओछा था साहब, उसको बहुत पीटता था। एक बार तो उसको घर से भी बाहर निकाल दिया साहब। चल निकल, लौट के वापस मत आ जाना। तरिया चरित्र। बेचारी गली के नुक्कड़ पर बैठी रही, जाती भी तो कहां मैडम। उसके माँ बाप जो मर चुके हैं, जब ससुर जी आए तब वो उसको अंदर लेकर गए। घबराओ मत, आओ। कलवा अपनी बीवी पर शक करता था क्या? शायद मैडम, क्योंकि वो अपनी बेटी को अपनी बेटी मानता ही नहीं था। शर्म नहीं आती अपनी बेटी को मारते हुए? ए! इसके साथ मेरा नाम मत जोड़, नहीं तो तुझे भी इसके साथ बाहर निकालूंगा। यहाँ तक कि जब वो कलवा की बेटी मरी तो कलवा की आंखों में आंसू तक नहीं देखे हमने। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि कलवा के पारिवारिक संबंध बेहद तनावपूर्ण थे, और ये भी सही था कि ना ही वो एक आदर्श पति था, ना ही लायक बेटा और ना ही अच्छा भाई। माना कि वो सुधा से सच्चा प्यार करने का दावा करता था, लेकिन जिस तरह का व्यवहार वो दूसरों के साथ बरतता था उससे वो किसी का भी बड़ी आसानी से दुश्मन बन सकता था। लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था कि वो किसकी दुश्मनी का शिकार बना था। कलवा की लाश मिलने के बाद से ही पुलिस को आभास हो गया था कि कलवा किसी हादसे का शिकार नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, और इस बात की जल्द ही पुष्टि भी हो गई। मैडम, कलवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कलवा की मौत करंट लगने से नहीं हुई बल्कि किसी ने गला घोट कर उसे मार डाला, और करंट तो उसे बाद में लगा है। बॉडी पर भी कुछ मामूली से खरोंच के निशान है, लेकिन हड्डी पसली एकदम सही सलामत। मतलब मारने वाले ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसकी मौत कटियाबाजी करते हुए हुई, लेकिन ये नहीं सोचा कि मुर्दा भी अगर 30 फीट ऊंचाई से गिरता है तो उसकी बॉडी भी डैमेज हो सकती है। पर मैडम, उसे मारा कहां गया होगा? और वो सीढ़ी? मैडम, जिस कमरे के पास कलवा की लाश मिली इन्होंने रात में वहां कुछ देखा। बताओ मैडम को। मैडम, उस वक्त काफी देर से मैं ऑफिस से घर आया, और जब मैं घर में अंदर जा ही रहा था कि मैंने देखा एक गाड़िया की खड़ी हुई। कोई लाश देखी थी? नहीं मैडम, मैंने सिर्फ वहाँ पे जीप और एक सीढ़ी देखी थी। गाड़ी का नंबर, चलाने वाले का चेहरा कुछ याद है? मैडम, अंधेरा बहुत था जिसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पाया, और मैं काफी दूर था। हाँ मैडम, गाड़ी बिजली विभाग की थी। बिजली विभाग? बाबूजी, वो हमारे नौकरी का कोनो बात हुआ का? जब हम बोले तो हमारी सुने नहीं, वो कलवा के सुन के कटियाबाज बन गए। कितना सपना बुने थे तुम दोनों के लिए, सब मिट्टी में मिला दी। हमने सुना बिजली विभाग की गाड़ी आप ऑफ ड्यूटी घर भी लेकर आते हो। जब नाइट ड्यूटी पे रहते हैं तब। जिस दिन कलवा की लाश मिली उसके पिछले रात भी आपकी नाइट ड्यूटी थी? जी हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि उस रात को भी आप गाड़ी घर लाए थे। हाँ, रात को 2 बजे वो गाड़ी उस खंभे के पास दिखी गई जहाँ कलवा की लाश मिली। ये कैसे हो सकता मैडम? जरूर आपको कोई गलत सूचना मिली। हम तो 12:30 बजे गाड़ी यहाँ घर के पास लाके खड़ा कर दिए थे, और फिर सुबह उठ के गाड़ी वापस ऑफिस में छोड़ा है। रात को 12:30 बजे गाड़ी बाहर लगाई और अंदर आके सो गए, तो गाड़ी क्या खुद चल के वहाँ पहुँच गई? कोई तो होगा जो उस गाड़ी को वहाँ तक लेकर गया होगा, आप नहीं तो कोई और सही। नाना मैडम, आप गलत सोच रही हैं। अरे उस रात तो हम अपने ससुराल में थे। हाँ, ये हमने पता कर लिया कि उस रात को तुम अपने ससुराल में थे और अपने ससुर जी को अच्छी तरह पट्टी पढ़ा कर आए हो ताकि वो ये बोले कि तुम दोनों मियाँ बीबी उस दिन सुबह वहाँ से निकले थे, लेकिन निकले थे तुम रात को ही कलवा की लाश को जो ठिकाने लगानी थी। मैडम, आपको बार बार ऐसा कहे लगता है कि हमने अपने कलवा भैया को मारा है? ये सही कह रहा है मैडम, ये कभी अपने भैया से चिल्ला के बात नहीं किया, हाथ उठाना तो बहुत दूर का बात। हाँ तो फिर आप ही बताइए गाड़ी वहाँ तक पहुँची कैसे? यही बात हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। चाबी कहाँ रखते हैं? वहाँ खूंटी पे। ये तो साफ नजर आता है कि कलवा के परिवार का कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, तो अगर किसी ने भी ये अपराध किया है तो इसकी पूरी संभावना है कि बाकी के लोग उसे बचाने की कोशिश करेंगे। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता को ये मालूम चल गया हो कि उसकी बेटी की मौत का कारण कलवा था? वो मारना चाहता था छुट्टन को, लेकिन मर गई कविता की बेटी। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ होगा जिसमें कविता अपना आपा खो बैठी और उससे कलवा का मर्डर हो गया। लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकती, किसी ना किसी ने तो उसका साथ दिया होगा।
एक और राज है जो जानना जरूरी है। कविता की बेटी को कलवा अपनी बेटी मानता था या नहीं? तुम्हारे और कलवा के बीच मार पिटाई लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता था, इस बात से तुम इनकार नहीं करोगी, है ना? अच्छा, क्या सोच के तुमने और तुम्हारे पिता ने इस शादी को मंजूरी दी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कलवा का एक पैर तो खराब था। जब हम उससे ब्याहे तो सोचे कि आदमी की काया का क्या है, उसका मन अच्छा होना चाहिए। लेकिन अच्छा कविता, हमने सुना कलवा तुम्हारी बेटी को अपना नहीं मानता था, किसी और का मानता था, क्या ये सच है? तुम्हारी इस चुप्पी का मतलब हम क्या समझे कविता? क्या उसका आरोप सही था? वो हमसे नफरत करता था, हमारी बेटी से भी नफरत करता था। हाँ तो वही तो हम जानना चाहते हैं कविता, क्यों नफरत करता था? क्या जवाब दें हम आपको? हमने कह दिया जो कहना था उसे, ना हम भाते ना हमारी बेटी, इसलिए जो भी मन में आए वो बोल देता। तुम्हारी बेटी कलवा की थी या किसी और की? मैडम जी, आप हमें समझ का रही है? जिस इंसान का कोई चरित्र नहीं था उसे सही मान रही है और हमें गलत? देखो, सही गलत का मापदंड सच और झूठ के मापदंड से बहुत अलग होता है। लेकिन जो गलत है उसे सच्चा और जो सही है उसे झूठा तो नहीं माना जा सकता ना। ये औरत ना ये मानती है कि बच्ची उसकी और कलवा की थी, और ना ये बताती है कि किसी और मर्द की थी। मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कविता का जरूर कोई ऐसा रिश्ता था जो ये हमसे छिपा रही है। हो सकता है वो रिश्ता अभी भी हो, हो सकता है उसी की मदद से कविता ने लाश को ठिकाने लगाई है, मगर सवाल ये उठता है कि वो है कौन। क्या हुआ मैडम, हमसे कोनो गलती हुई गई का? अरे बैठ जा, डर लग रहा है क्या? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बता, कलवा की बीवी कविता के बारे में क्या जानता है? वो हमारे भैया की बीवी है, बस इतना ही। तुझे भी अच्छी लगते है ना उसकी बीवी? ये क्या कह रही मैडम आप? मैं जो बोल रही हूँ तो अच्छी तरह समझ रहा है? नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो गलतफहमी तेसु को हुई होगी, क्योंकि उसी ने हमसे बोला कि तेरे और कविता के बीच नाजायज संबंध है। वो पगला गया है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। बसंत भैया पगला गए हैं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो पगला गया है या तू हमसे सच छिपा रहा है? हम सच बोल रहे हैं मैडम, वो हमारी भाभी है और भाभी तो माँ के समान होती है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका ही चक्कर हो कविता के साथ? ये हमें नहीं पता साहब उनका किससे का चक्कर है, लेकिन हमारा कविता भाभी से कोनो चक्कर नहीं है साहब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता का चक्कर तेसु से ही है? ये तो हमें नहीं पता मैडम, लेकिन कविता भाभी से मेरा कोई चक्कर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं तेरा ही चक्कर हो कविता के साथ और तूने कविता को पाने के लिए कलवा को रास्ते से हटा दिया हो? नहीं साहब, हम अपना गला काट सकते हैं लेकिन कलवा भैया को नहीं मार सकते। गला दबा के मारा गया है कलवा को और मारने के बाद उसकी बॉडी को करंट दिया गया। क्या बात कर रही है मैडम? फिर कलवा का बॉडी उसके बाप की गाड़ी में डाला और फिर गाड़ी को ले जाकर उस खंभे के पास खड़ा किया और खंभे पे सीढ़ी टिका के लाश उसके पास फेंक दी ताकि सबको ये लगे कलवा की मौत कटियाबाजी करते हुई। बोल, तूने किया नहीं ये सब? हमने नहीं किया साहब। तो फिर किसने किया होगा? कौन दुश्मन पैदा हो गया तुम्हारे भैया जी का? ये आप क्या कह रही है मैडम, हम तो सोचे थे कि हमारे भैया जी कटिया मारते हुए चल बसे। नहीं, तेरे भैया जी हत्या हुई है उनकी, अगर तुम नहीं किए तो तुम्हारी कविता भाभी का कौन देवर उनका गला घोट दिया? क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? मैडम आप क्या बोले, हमारी तो जुबान पे ताला ही लग गया। पहले मत गुजा, साफ साफ बोल। साहब वो हम जो छुपा रहा है फटाफट उगल दे वरना हम छोड़ेंगे नहीं। मैडम हम तो बड़े धर्म संकट में फंस गए, जो मन में हो जबान पे नहीं आ पा रहा। जबान तो खोलना ही पड़ेगा। साहब हम जो समझ रहे हैं वो हमारा भरम हो सकता है, लेकिन कलवा भैया की लाश मिलने से एक दिन पहले छुट्टन भैया हमसे मिलके पूछे थे। क्या पूछे थे? बसंत भैया हमको लगता है कि कलवा भैया ही हमारी जान लेने की कोशिश की है। ये क्या बोल रहे? हाँ तेसु, हमको ऐसा लगता है ना कि भैया जी ने वो शादी में हमको मारना चाहते थे लेकिन मर गई वो दुल्हनिया। देख तेसु, हम तो उसे बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या ये सच हो सकता है क्या? अच्छा हम जो सोच रहे हैं वो सच है या हमारा भ्रम? आप जो सोच रहे हैं एकदम गलत सोच रहे हैं, कलवा भैया जी आपको मार ही नहीं सकते हैं। हाँ तेसु, हम तो उसे बस यही सब जानना चाहते थे, लेकिन एक विनती है। कहा भैया जी? तो ये बात तो किसी को नहीं बताएगा कि हमने तो उसे कुछ ऐसा भी कुछ पूछा है, ना ही कलवा भैया को और ना ही वो बसंत भैया को। जी भैया जी। फिर वो चले गए, लेकिन जो छुट्टन भैया के मन में था हमने आपको बता दिया साहब। पहले तो हम छुट्टन से कुछ नहीं बोले, लेकिन उसे जाता देख हमें लगा कि हम उसे सच छिपा कर सही नहीं कर रहे हैं,
इसलिए हमने उसे रोका। ए छोटे, हमका तुमको कुछ बताना है। का? देखो कलवा भैया तुमका मना किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुमको ये बात बताना ठीक रहेगा। कौन सी बात? यही कि कल कलवा भैया हमसे मिले। बसंत, तुमको क्या लगता है, का छोटा ने हमारी बिटिया का जान लिया है? ठीक बोल रहे भैया जी, आप तो कह रहे हो विक्रम ने कांड किया। हम बोले थे, लेकिन उस बहन के भैया को हम मार मार के दुखी हो चुके हैं। हमको नहीं लगता है कि उसने हमारी बिटिया को मारा है, कैसे कि वो कटिया थोड़ी ना डाल सकता है। ये बात तो सही है भैया जी, लेकिन छुट्टन का हमारे का अपनी भतीजी को। देखो छुट्टन, तुम्हारी तरह कलवा भैया का भी गलत फहमी हो रही है। हम तो कहते हैं तुम वो भैया बैठ के गलत फहमी दूर कर लियो। फिर छुट्टन वहां से चला गया, उसके बाद हमें नहीं पता मैडम कलवा भैया और छुट्टन के बीच क्या हुआ। पुलिस को शुरू से ही लग रहा था कि कलवा और छुट्टन पर हुए जानलेवा हादसे शायद दोनों भाइयों के बीच आपसी रंजिश का ही नतीजा थे, लेकिन छुट्टन ने ये बात कभी नहीं मानी थी कि वो कलवा से किसी भी तरह की नफरत करता था। और कलवा से तो पूछताछ करने का मौका पुलिस को मिला ही नहीं, क्योंकि उसकी हत्या हो चुकी थी। पुलिस जिस समीकरण के आधार पर इस केस को एक निर्णायक मोड़ देना चाहती थी, उस समीकरण से कलवा की हत्या का सबसे ज्यादा शक छुट्टन पर जाता था। और यह भी माना जा रहा था कि उसकी पत्नी सुधा भी शायद इस अपराध में बराबर की भागीदार हो, लेकिन उनको रिमांड में लेने के लिए पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं लगे थे। और जो सबूत पुलिस के हाथ लगने वाले थे, क्या वो सुधा और छुट्टन को दोषी ठहराने के लिए काफी थे? ठीक है मैडम, बिजली विभाग की जिस गाड़ी का भीम सिंह ड्राइवर है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उसकी गाड़ी से जो जला हुआ बाल हमें मिला था, वो कलवा की बॉडी के बाल से मैच हो गया है। मतलब उसी गाड़ी से कलवा की लाश को उस खंबे तक पहुंचाई गई, लेकिन ये काम भीम सिंह नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अपने बेटे को मारने का कोई मोटिव ही नहीं। लेकिन सुधा और छुट्टन के पास पूरा मोटिव है। छोड़िए मैडम, हमारे छोड़िए, हमें हमने कुछ नहीं मानेंगे, चल पहले थाने। छोड़िए हमें मैडम, हमने सब कह रहे, हमने कुछ भी नहीं किया मैडम। मैडम माना कि हम एक बार कटियाबाजी करने के जुर्म में जेल गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कोई पेशेवर अपराधी हैं, जो आप हमें और हमारी बीवी को आप बार बार यहाँ ले आती हैं। आज तो सिर्फ कटियाबाजी को ही नहीं, अपने उन सारे अपराधों को कोसेगा जो तूने अपनी बीवी को पाने के लिए किया। मैडम, हमारे लिए ये कोई अपराध नहीं किया। आपको जो पूछना है मैडम पूछिए, लेकिन आपको मेरा हर जवाब झूठ ही लगेगा। पूरी तैयारी के साथ आए हो, हैं? बिल्कुल वैसी तैयारी जो कलवा के सगाई वाले दिन भी किया था, उसे मारने की कोशिश में। पिछली बार तो वो बच गया, लेकिन इस बार तुम दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार ही दिया। इस इल्जाम को झूठा बोलेगा तो सफाई दे। मैडम सफाई तो सच की दी जाती है, और आप तो हमसे झूठ की सफाई मांग रहे हैं, अब हम क्या बोले इसमें? वो बोल जो छुपाने का ड्रामा कर रहा है तू। तुझे अच्छी तरह पता था कि कलवा ने तुझ पर जानलेवा हमला किया, इसीलिए तूने। नहीं मैडम, हम तो सिर्फ सोचे थे ऐसा। अच्छा, ऐसा सिर्फ सोचे थे? तेरे शक की सुई तो कभी विक्रम पे कभी तीसरे पे अटकती है। हम बताएं क्यों? क्योंकि तू डर गया, तुझे लगा कि अगर कलवा पकड़ा गया तो ये बात भी सामने आएगी कि तूने ही उसे मारने की कोशिश की इस लड़की को पाने के लिए। नहीं मैडम, भैया को सिर्फ गलत फहमी थी, बाकी ये सच नहीं है। ये सच नहीं है तो पहले क्यों नहीं बताया हमको? रे मैडम, यही तो भूल हुई है इनसे। हम इन्हें बोल रहे थे जो लग रहा है पुलिस को बता दे, लेकिन ये हमारी एक नहीं सुने। सोच क्या रहे हो? चलो पुलिस को सब बता देते हैं। ज्यादा उतावली ना बनो, समझी? पहले हमें ठीक से पता करने दो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैडम यही बात कंफर्म करने के लिए हम देसु और बसंत भैया से भी मिले, तो उनका भी यही कहना था कि हम दोनों भाइयों के बीच में जो ये गलत फहमी है, उनका दूर हो जाना ही अच्छा है। गलत फहमी दूर करना था या कुछ और, लेकिन तेरे ही हाथों कलवा का खून हुआ, फिर तुम दोनों इसके मायके चले गए ताकि तुम अपने बचाव में सबूत खड़े कर सको। फिर देर रात घर वापस आया, अपने बाप की गाड़ी की चाबी चुराई, उस गाड़ी में लाश और सीढ़ी डाल के उसको ठिकाने लगाया। नहीं मैडम, ये झूठ है। माना कि हम भैया से मिले थे और ये गलत फहमी दूर करने का कोशिश किए, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। भैया आप हमसे इतने बिगड़े बिगड़े से क्यों रहते हैं? हमारा प्यार जो बिगड़ा है इसलिए। तो आपको क्या लगता है कि इसके जिम्मेदार हम हैं? हमने ही आपसे आपका प्यार छीन लिया है। भैया हम अपनी मरी हुई माँ का कसम खा के कहते हैं, हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा,
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो हम नदी में कूद के अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपको अपनी हत्या के जोर में हम जेल जाता हुआ नहीं देख पाएंगे। भैया हमसे कुछ नहीं बोले और सीधा अपने कमरे में चले गए, और हम सुधा को लेने उसके मायके, और जब अगले दिन लौटे तो पता चला कि हमारे भैया। बुरा तो हम बोलते थे उन्हें, लेकिन ये हमेशा कहते कि एक ना एक दिन अपने भैया को सुधार देंगे, और आपको लगता है कि इन्होंने अपने भैया को मार दिया। इसने नहीं मारा तो वो कौन हो सकता है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि कलवा की लाश को उसी गाड़ी से ठिकाने लगाया गया है। क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गया? तुम्हारी इस चुप्पी का मतलब हम समझाए? इसी ने कलवा को मारा है और तुम इसका साथ दे रही हो। मैडम, उस घर में कोई और भी है जो कलवा को मार सकता है। कौन? कविता? हाँ, क्योंकि उनको लगता था कि कलवा की वजह से उनकी बच्ची मरी। जिसको मरना था मर गया, अब हमरे कान मत खा। कहीं तुम ही तो नहीं जान ले ली उसकी? तुम्हें तो नफरत थी ना उससे। कविता दीदी जानती थी कि कलवा ने ही उनकी बच्ची को मारा है, क्योंकि वो कलवा की नहीं किसी और की बच्ची थी। तो फिर किसकी बच्ची थी? तुम अपनी जिस बेटी का हत्यारा कलवा को मानती हो उसका असली पिता कौन है? देखो, छुपाने से तो कोई फायदा है नहीं, बेहतर यही होगा सच खुद ही बता दो। तू फिर आ गए? निकल, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। तुझे जाना है तो जा। तू जानता भी है ये क्या चीज है? मैंने आज तक इसको छुआ तक नहीं, और ये अपने पेट में बच्चा लेकर फिर रही है। तरिया चरित, चल निकल निकल। छोड़ छोड़, कहां ना कहीं नहीं जाएगी ये। इसका इस घर के अलावा कोई ठिकाना है और ना कोई अपना। तू इसकी इतनी प्यार भी क्यों कर रहा? तूने तो इसके पेट में बच्चा नहीं डाला। हाँ, वो हमारा बच्चा है। कायर नहीं है तुम्हारी तरह, जो हो गया उससे भागेंगे नहीं, स्वीकार करेंगे जो सच है। कविता, तुम्हारे ससुर ने मजबूर किया था तुमको ये रिश्ता बनाने के लिए। देखो, घबराओ मत, सच जो भी है हमको खुल के बताओ। ये रिश्ता मजबूरी से बना, लेकिन इस मजबूरी का कारण सिर्फ कलवा था। ए, इतनी जल्दी सो गए तो? उठ, 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 चल जा, खाना लेकर आ मेरे लिए ना। उसकी नजर में हमारी औकात एक नौकरानी से भी बदतर थी। हमारा और कलवा का रिश्ता ऐसे कमरे में सांस लेने जैसा था, जहां ना कोई रोशनदान था और ना ही किसी रोशनी की उम्मीद। क्या हुआ, बुखार उखार तो नहीं है ना? अरे ये चोट नहीं, रो नहीं, सब ठीक हो जाए। दया कब सांत्वना में बदल गई और सांत्वना कब गहरे भरोसे में, पता ही नहीं चला। महसूस ही नहीं हुआ इस रिश्ते ने कब वो पड़ाव छू लिया जिस मंजिल को हमने कभी ढूंढना ही नहीं चाहा था। हम मानते हमारे रिश्ते का इस समाज में कोई स्थान नहीं है,
लेकिन हम अपना जमीन तलाश चुके हैं। देखो, हमको सिर्फ इतना जानना है कि क्या तुम दोनों को पहले से पता था कि कलवा ने ही तुम्हारी बेटी को मारा है? हमें सिर्फ ऐसा लगता था, और इसलिए तुम दोनों ने कलवा को मार डाला। नहीं मैडम, हमने उसे नहीं मारा। तो फिर तुम्हारी जीप में उसकी लाश को लोड करके ठिकाने किसने लगाया? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने कलवा को नहीं मारा। हाँ, तुमने नहीं तो इसने मारा होगा, और वैसे भी तुम तो इसको बचाओगे ही। मैडम जी, कलवा जब भी हमें मारता पीटता था तभी यही हमें बचाते थे, लेकिन ना ही कभी हमने उन्हें मारने का सोचा और ना ही मारे। हालांकि इन दोनों के पास कलवा को मारने का पूरा मोटिव है, लेकिन ये केस सिर्फ कलवा की हत्या से नहीं जुड़ा, ये केस इस पूरे परिवार पे हो रहे हैं जानलेवा हमलों का वो सिलसिला है जिसकी शुरुआत हुई कलवा पे हुए जानलेवा कोशिश के साथ, कलवा और सुधा की सगाई वाले। यानी मैडम, जब से सुधा इस परिवार का हिस्सा बनने वाली थी, ये हमले तभी से शुरू हुए। बिल्कुल सही कहा, होना हो इन हमलों की वजह सुधा ही है। पुलिस के लिए केस किसी घुमावदार पहेली से कम नहीं था, और पुलिस के सारे समीकरण सिर्फ मनोवैज्ञानिक अंदाजे थे, जिसमें हत्या की वजह के आधार तो थे लेकिन अपराधी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। पुलिस जानती थी कि अपराधी जो नकाब लगाए घूम रहा है उसे बेपर्दा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस वो सारी कोशिशें करना चाहती थी जिससे अपराधी खुद अपने ही जाल में फंस जाए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कविता भाभी के साथ मिलकर चाचा जी भैया जी को मार दिए। पुलिस ने इसे छोड़ कर दिया? क्योंकि तुझे पकड़ने आए हैं। मैडम आप कहाँ हुआ? थाने में। चल बताते हैं, चल। मैडम लेकिन बताइए तो सही। चल। मैडम आपके शक की सुई ले देकर हम पर ही अटक जाती है। तेरी सुई किस पर अटकी हुई है? अपने बाप और कविता पर? क्यों बोलती बंद हो गई? अब नहीं बोलेगा? कोई तीसरा है जो तुम दोनों भाइयों की जान लेना चाहता है? अब नहीं बोलेगा क्योंकि तुझे लगता है वो कातिल पकड़ा गया है और तू सुकून की नींद सो सकता है? क्यों? क्या बोल रहे थे? फिर वही सब बात कि भैया को हम नहीं मारे तो कौन मारा? हे भगवान, ये पुलिस कभी हमारा पीछा छोड़ेगी कि नहीं? हमें तो लगता है हमें ना ये बोझा बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम जितना यहाँ रहेंगे पुलिस हमें चैन से जीने नहीं देगी। लेकिन ऐसे भागेगी तो पुलिस को उल्टा शक होगा। अब उनको चाहे जो भी हो, लेकिन हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। तुम सामान बांधो फटाफट। हुआ भैया जी, इतनी सुबह सुबह हमें कहीं बुलाए? और ये सामान कहीं जा रहे होगा तुम दोनों? हाँ, हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? वो हम एक बार पहुंच जाए फिर फोन पर बात करेंगे तुम दोनों से। तब तक तुम दोनों नजर रखना, और पुलिस कुछ पूछे तो कह देना हमें नहीं पता। वो सब ठीक है भैया जी, लेकिन आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हाँ छुट्टन, देखो हम तुमको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, आप दोनों आओगे तो पुलिस को आप दोनों पर भी शक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे बिना यहाँ? भैया जिद ना करो, एक घंटे में हमारी बस है, अब हम निकलते हैं यहाँ से। अरे बसंत भैया, आप कहाँ जा रहे हो? जहाँ तुम जा रहे हो छुट्टन। हमने मना किया था आपको आने के लिए। भैया वहाँ टेसू है, हम छुट्टन तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। हमारा है कौन यहाँ पर? पास के गांव में मेरे चाचा का घर है, हम वहीं चलते हैं। ये अभी है मेरे चाचा का घर, थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ है ना। कहे कि चाचा मेरे दिल्ली में रहते हैं। hmm.
अब तुम लोग आराम करो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। हाँ भैया कुछ ठीक है सर, ले लो ऐसे ऐसे रखो भैया। सुनिए हम जरा नहा के आते हैं। ये केस इस पूरे परिवार पे हो रहे हैं जानलेवा हमलों का वो सिलसिला है जिसकी शुरुआत हुई कलवा पे हुए जानलेवा कोशिश के साथ, कलवा और सुधा की सगाई वाले। यानी मैडम, जब से सुधा इस परिवार का हिस्सा बनने वाली थी ये हमले तभी से शुरू हुए। बिल्कुल सही कहा, होना हो इन हमलों की वजह सुधा ही है। मैडम आपके शक की सुई ले देकर हम पर ही अटक जाती है। एक बात बता, याद करके बता, कलवा और सुधा की सगाई वाले दिन जैसा हादसा हुआ था वैसा कोई हादसा तेरी शादी वाले दिन हुआ था जो टल गया बाद में? हाँ मैडम याद आया, उस दिन हमने एक कार भाड़े पे ली थी और हम सैलून के लिए जा रहे थे कि तब तक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, हम तो चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लिए। अच्छा उस गाड़ी के आसपास किसी को देखा था? हाँ मैडम, बसंत था, उसके पास ही उस गाड़ी की चाबी थी। बसंत, अच्छा सुन, अगर बचना चाहता है तो हम जैसा बोलेंगे तू वैसा ही करता जाएगा। अब बोल क्यों किया ये सब, बोल। मैडम हमने जो भी किया अपने प्यार के लिए किया, अपनी सुधा के लिए किया। सुधा को हम बहुत प्यार करते थे, उसे अपना बनाना चाहते थे। सुधा, सुधा सिर्फ मेरी है, लेकिन वो कलवा, कलवा हमारे रास्ते में आ गया। सुधा कलवा को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसने चालाकी से उसे सगाई तय कर ली। हम ये सहन नहीं कर पाए। सुधा तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कलवा को अपने बीच में भी नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया जी लग गई सीढ़ी, कर दो आज 1000 कटिया पूरा। हाँ हम कलवा को मारना चाहते थे लेकिन वो बच गया, सुधा का सगाई तो टूट गया, लेकिन अब वो छुट्टन मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया। हम किसी भी हालत में सुधा को पाने का रास्ता तलाश रहे थे जहां हम से बोल सके। सुधा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि छुट्टन को जान से मारने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। छुट्टन की शादी वाले दिन हमने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था लेकिन वो बच गया। हमारी किस्मत आपका बार बार धोखा दे रही थी और जब छुट्टन और सुधा का शादी हो गया तो हम सोचे अभी भी सुधा का विधवा करके हम अपना बना सकते हैं। बस अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम कलवा के घाव पूरे देने लगे। भैया जी ये बात बोलना ठीक तो नहीं है, लेकिन बोले बगैर रह भी नहीं पा रहे। का है बसंत बोलना। हमने धीरे धीरे कलवा के कान भरने शुरू कर दिए
और कलवा को यकीन दिला दिया कि छुट्टन ने ही सुधा को पाने के लिए उसको जान से मारने की कोशिश की थी। वो बहकने लगा और विक्रम की बहन की शादी वाले दिन छुट्टन इस बार भी बच गया और हमको जेल हो गई। जेल से आने के बाद हमने देखा कि विक्रम उसको जान से मारने की धमकी दिया। हमने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। छुट्टन इस बार भी बच गया और कलवा की बेटी मर गई। तो इस बार कलवा को नहीं पता था कि तूने छुट्टन को मारने की कोशिश की? हाँ मैडम, लेकिन जब कलवा की बेटी मरी तो हम सोचे कि काहे ना कलवा को यह कहकर भड़काएं कि छुट्टन ही उसकी बेटी को मारा है। भैया जी, छुट्टन हमसे जेल में बोला था उसे आप पे शक हो गया था कि आपने ही उसे मारने की कोशिश की है, इसीलिए उसने आपसे बदला लिया आपकी बिटिया का मार के। कलवा हमसे कुछ नहीं बोला, शायद तभी से उसे हम पे शक होने लगा था। और जब छुट्टन ने उससे मिलकर अपनी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की तभी वो मेरे पास आया। तुम्हें पूरी दुनिया से छीन कर ले आऊंगा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। बसंत, अरे भैया जी, आप हमारी कुटिया में कहाँ रहे? तो हमारे लिए जान देने की कसम खाता था, तूने हमरे पेट पर सुना घोप दिया। ये सब क्या बोल रहे हो भैया जी? क्या कह रहे हैं, हमको सब पता चल गया है, छुट्टन ने नहीं बल्कि तूने हमको जान से मारने की कोशिश की थी। अरे नहीं नहीं भैया जी, आपको गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी हुई है, गलत फहमी हुई है। तो कौड़ी का हमरे हमरे सुधा पर हाथ गड़ा के बैठा हुआ था। मार दिया, वो साला क्या प्यार करेगा हमारी सुधा से? सुधा से तो हम प्यार करते थे, इसलिए कलवा के कत्ल में छुट्टन को फंसाने का सारा प्लान बना लिया। कलवा की जेब से चाबी लेकर देर रात कलवा के घर गए और उसके बाप की गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आ गए। सीढ़ी गाड़ी में डाली और सीधा अपने घर लेकर आए और कलवा की लाश को गाड़ी में डालकर इसके बाद कलवा की लाश और सीढ़ी उस खंभा के पास छोड़ा है। तूने जो किया वो प्यार नहीं, पागलपन है। लेके जाओ इसे। चल। हिंसा को प्यार की परिभाषा देने वाले सरफिरे जब अपने आप को प्रेमी मानकर प्यार पर अपराध का रंग चढ़ाने की भूल करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि प्यार में तो सब कुछ जायज होता है। बसंत ने दावा तो किया कि वो सुधा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन सुधा को पाने के लिए उसने सिर्फ नफरत को ही अपना हथियार बनाया। दोनों भाइयों के बीच में गलतफहमी पैदा की, उन पर जानलेवा हमले किए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या उसे वो मिल पाया जिसे पाने के लिए वो ये सब अपराध करता रहा? बसंत जैसी मानसिकता के लोग इतनी बीमार प्रवृत्ति के होते हैं
कि जिस लड़की से प्यार करने का वो भ्रम पाल लेते हैं उस लड़की की एक ना उन्हें उसी लड़की का हत्यारा तक बना देती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.